सभी को नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कम विद नेचर में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपके पास कोई प्लास्टिक का डब्बा वगैरह पड़ा हुआ है, कोई मतलब वेस्ट पड़ा हुआ है, कोई प्लास्टिक के बॉक्स, तो उनको आप किस तरह से यूज़ करके एक बहुत ही सुंदर से प्लांटर बना सकते हो। और ये प्लांटर ही नहीं, आप इसे किसी भी जैसे कोई पेन स्टैंड या कुछ और चीज़ें रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं इन प्लांटर्स को जो है वो वाइट कलर के हैं ये, अगर आपके पास ये वाइट कलर का नहीं है तो आप वाइट कलर का इस पर पेंट कर लीजिए, या आपको जो भी कलर पसंद हो वो मतलब आप उस डब्बा है जो या जो भी प्लास्टिक का आपने कंटेनर लिया है उसको पेंट कर लीजिए जो भी कलर आपको पसंद हो। मैं वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में करने वाली हूँ। और अब मैंने इस कागज़ को फोल्ड करके एक हार्ट शेप बना लिया, क्योंकि मैं जो ये प्लांटर बना रही हूँ ये हार्ट शेप के प्लांटर को सजाने के लिए मतलब हार्ट शेप यूज़ करने वाली हूँ। और उसी को देखो, मैंने ये हार्ट शेप बना दी है और इसी को अब हम लगा के और अपना सुंदर सा प्लांटर बनाएंगे। यानी हम जो भी डब्बा यूज़ कर रहे हैं उसको हम डेकोरेट करेंगे इस तरह से। तो ये कागज़ से हम कट करने लेने का मतलब ये है कि ये दो जो भी हम बनाएंगे शेप वो अच्छी बन जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई पेंसिल लेंगे, उससे हल्का हल्का आप कलर पेंसिल भी ले सकते हो, और हल्का हल्का हमें इस तरह से अपना जो बॉक्स है उस पर इसकी लाइन बना लेनी है ताकि जो शेप बनाएँ वो क्लियर बन जाए। अगर किसी की ड्राइंग अच्छी है तो वो बिना शेप के भी सीधे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, तो मैं ये इस तरह से हार्ट शेप में कट करके फिर बना रही हूँ। एक शेप मैंने बना ली है और इसी तरह से मैं साइड में दूसरी शेप बना लूँगी। और आप चाहो तो पेंसिल यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो मार्कर यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। जैसे मैंने एक बार पहले पेंसिल से करके और फिर मैंने मार्कर यूज़ किया। ये मैंने मार्कर सिर्फ इसलिए यूज़ किया ताकि आप लोगों को क्लियर दिख जाएगा, क्योंकि पेंसिल में जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा था इस वजह से। और नीचे हम इसका जो माउथ है वो बनाएंगे, जो भी हम स्माइली जो भी चीज़ बना रहे हैं। और ये भी मैं एक बार पेंसिल से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पेंसिल से मिट जाता है, मार्कर से फिर वो मिटेगा नहीं, फिर वो थोड़ा गंदा सा लगेगा। तो चलो जी, आप देखते रहो और मैं बनाती हूँ। से बनने के बाद हम कोई भी एक्रेलिक कलर जो होते हैं प्लास्टिक के डब्बों पे जो आसानी से हो जाते हैं वो लेंगे। अभी मैंने जैसे रेड कलर लिया है, इसके बाद हमने थोड़ा सा यूज़ यहाँ पे ब्लैक कलर का किया है। और इस तरह से चाहे तो आप सीधे ब्रश से भी बना सकते हो, आप की ड्राइंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ब्रश से भी बन जाएगी इजीली। चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्लांटर की सजाने की तरफ। और इसमें क्या है, मैंने जो ये पहले वाला हार्ट शेप जो बनाई थी इसी को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, हमने इसी को कट करके थोड़ा सा छोटा बना दिया है। और अब हम इसको अपने प्लांटर के ऊपर रख के और इसको थोड़ा तिरछा, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से थोड़ा तिरछा रख के, और फिर इसका जो शेप है वो अपने प्लांटर के ऊपर बना देंगे। अगर ये यहाँ पर आपको पेंसिल से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब बन जाएगा, जब देखना, ये बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपका कि किस तरह से आप एक प्लांटर, सुंदर सा प्लांटर बना सकते हो हार्ट शेप का। और आप प्लांटर ही नहीं, कोई और भी चीज़ रखने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो।
यहाँ पे भी मैंने दो ही कलर यूज़ किए हैं, एक रेड और दूसरा ब्लैक कलर, क्योंकि जो वाइट के ऊपर रेड का जो मतलब खिलके आता है ना, वो बहुत ही प्यारा लगता है। और अब ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लगने वाला है। आप चाहो तो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अगर आपकी ड्रॉइंग अच्छी है तो आप सीधा ऐसे भी बना सकते हो, सीधा ब्रश से और सीधा आपने प्लांटर को उठाओ और बना दो। बस पेंसिल से थोड़ा सा अगर पहले से थोड़ा सा वो कर लेते हैं ना, थोड़ी ड्राइंग सी बना के फिर उसके ऊपर बनाते हैं, तो फिर वो थोड़ी सी कहीं पे भी हल्की थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो वो हमें पता लग जाती है, और वहाँ पे मिटने मतलब वो मिट जाएगी वो जो भी हमें से ख़राब हुई है। और अगर कलर करने के बाद अगर वो करते हैं तो वो इतनी अच्छे से मिट नहीं पाती। इस तरह से देखो हमारा दूसरा प्लांटर भी कितना खूबसूरत बनके तैयार हुआ है। और ये दो मेरे जो बन गए हैं सुंदर से प्लांटर, चलिए चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा और बना के बताती हूँ मैं आपको, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसे लगे। और मैं, मेरे पास ये और भी हैं, 3-4 डब्बे और हैं इस तरह के, तो उन पर भी मैं कुछ अच्छा क्रिएटिव करने वाली हूँ, तो आप एक बार कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तीसरा जो प्लांटर है उसको भी मैंने हार्ट शेप में ही किया है, लेकिन उसमें जो हमने हार्ट यूज़ किया है, यानी जो हमने हार्ट शेप यूज़ की है ना, वो और भी छोटी यूज़ की है। जैसे पहले बड़ा था फिर उससे छोटा, अब बिल्कुल छोटा, यानी जो हमने वो वाला पहले जो एक हार्ट बनाया था फिर उसके बाद उसको थोड़ा छोटा किया, और अब हम तीसरे वाले को बिल्कुल छोटा कर लेंगे। अब देखो मैंने ये कम्प्लीट कर लिया है, और जैसे पहले दो कम्प्लीट करके मैंने डिटेल में बता दिया, तीसरा मैंने खुद करके बता दिया, क्योंकि बहुत सारे तीनों ही सेम ही है वैसे तो, बस शेप अलग अलग है और बाकी तरीका यही है। और इस तरह से देखो ये मेरा तीसरा जो प्लांटर है ये बनके तैयार हो गया, और कैसा लग रहा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो वाइट के ऊपर जो रेड कलर का कॉम्बिनेशन बनके आया है ना, निकल के आया, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ करके और उस पर कोई भी कलर मतलब से आप बना सकते हो। मैंने ये हार्ट शेप में इसलिए बनाए हैं क्योंकि वाइट कलर के थे मेरे डब्बे, और मैंने इनको पेंट भी नहीं करना पड़ा, तो वाइट के ऊपर जो रेड का कॉम्बिनेशन है वो तो आपको दिख ही रहा है कितना सुंदर निकल के आ रहा है। बाकी आपकी च्वाइस है, आपको जो भी कलर पसंद हो उस कलर का आप अपने डब्बे को पेंट कीजिए और फिर देखिए। अब मैं लगाऊँगी इनमें छोटे छोटे प्लांट, और पॉट छोटे हैं तो प्लांट भी छोटे ही लगेंगे, और फिर दिखाती हूँ आपको। और इनमें प्लांट लगाने के बाद तो ना इतने खूबसूरत लग रहे थे, मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और आप इन्हें चाहे इंडोर रख सकते हो, आउटडोर रखो प्लांट लगाने के बाद, और अगर आप प्लांट नहीं भी लगा रहे तो इन्हें आप डेकोरेटिव पर्पज़ से आप अपने घर के अंदर किसी भी, जैसे कोई पेन स्टैंड है या फिर कुछ और चीज़ रखने के लिए आपने यूज़ करना हो तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मुझे ये प्लांटर के रूप में अच्छे लगे, तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों। अगर आपको भी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।